बकौल दीपिका पादुकोण एक बार फिर ड्रग्स मामले को लेकर फंसती नजर आ रही थी। दीपिका चाहे जितना चकमा दे ले एनसीबी को, लेकिन वो अपने गुनाह के निशान पता नहीं कहां कहां छोड़ चुकी है। बात करें अगर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के शादी की, उस रिसेप्शन की जो हुई थी मुंबई में, और उसमें काफी बड़े बड़े लोग आए थे, और जाहिर है उन मेहमानों का ख्याल रखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। अब उस रिसेप्शन को लेकर बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि कैसे उस रिसेप्शन में खुलेआम और धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ, हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि कैसे दीपिका पादुकोण की रिसेप्शन जो मुंबई में हुई थी, उसमें कैसे ड्रग्स लेते एक शख्स नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उस बात का पक्का सबूत है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की उस मुंबई वाली रिसेप्शन में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था और तस्वीर अब वायरल हो रही है। यह तस्वीर ट्विटर पे पोस्ट की गई थी और मजे की बात तो ये है कि वो ट्विटर अकाउंट को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन दीपिका पादुकोण और उनकी गैंग ये भूल गई, लेकिन उसे गूगल से कैसे मिटाते हैं। देखिए करण कपाड़िया जो कि बेस्ट फ्रेंड है रणवीर सिंह की, वो नजर आ रहे हैं कटरीना कैफ के साथ। आप जरा गौर से देखिए इनकी हाथों की उंगलियों के ऊपर आपको ड्रग से भरी सिगरेट साफ साफ नजर आ रही है। इसे ड्रग्स वालों की भाषा में कहते हैं जॉइंट। जी हाँ, यह एक जीता जागता सबूत है किस तरह फिल्म इंडस्ट्री और दीपिका रणवीर रिसेप्शन में ये जॉइंट लेना थी 5 सितारा होटल में, वो 5 सितारा होटल भी इसमें शामिल हुआ है, या फिर अपनी कमाई के लिए सब चुप हो जाते हैं। अब दीपिका किसी भी लॉयर से बात करे या फिर झूठ बोले, अब उसका बचना मुश्किल होगा, और आने वाले दिनों में दीपिका के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो था हमारा इन्वेस्टिगेशन। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें।